सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें कितने फॉर्मूले हैं, कैसे यूज करेंगे, ये सब को समझने वाले। तो जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। तीन चार फॉर्मूले हैं, तीन चार फॉर्मूले को समझ लेना, कैसे लगना है, कब लगेगा और क्यों लगेगा, किस जगह पर लगेगा, ये सब समझ लिया तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसे कैसे समझते हैं, इसकी सीरीज कैसी होती है। फिर जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है उसमें हम लोग समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि इसकी जो सीरीज होती है वो कितने टाइप की होती है, किस तरह होती है, ये सब समझेंगे। फिर जो तीसरा टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ द एपी, और चौथा हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म। तो ये चारों टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, इसी से पूरी चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इसका पहले टॉपिक के बारे में। तो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसको देखो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सपेक्टेड द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते ना, ये हमारे एक लिस्ट ऑफ नंबर होती है, एक नंबर की सीरीज होती है और उस सीरीज के कुछ रूल होते हैं। अब वो रूल क्या है, सीरीज कैसी है उसको देखो। तो जो ये नंबर ऑफ लिस्ट देख रहे हो ना, तो ये यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ये है। तो इनके बीच का गैप देखो, 2 और 4 के बीच का गैप देखो तो कितना है, 2 है। 4 और 6 के बीच का गैप देखो तो कितना है, वो भी 2 है। और 8 और 6 के बीच के गैप देखोगे तो वो भी कितना दिखेगा, 2 दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर हमारी सीरीज है ना, इस सीरीज में हर एक के बीच का, हर एक टर्म के बीच का जो गैप है वो कितना है, 2 है। तो अलग अलग सीरीज में अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं, इनके बीच के कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 2 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 5 होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जब कभी भी आपको कोई सीरीज दिखे इन नंबर की इस तरह से और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस दिखे, सबका डिफरेंस एक जैसा दिखे, तो समझ जाना कि वो क्या है, एपी है। अब बात आती है क्या ये डिफरेंस जो है हमारे कॉमन डिफरेंस, ये हमेशा प्लस के होंगे, तो नहीं। ये जो हमारे डिफरेंस है ये हमारे माइनस के भी हो सकते हैं, जैसे -2 का सभी में डिफरेंस आ सकता है, या फिर किसी में -3 का, -10 का भी आ सकता है। तो जो डिफरेंस है वो प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी आ सकते हैं, और जो इसका डिफरेंस है वो जीरो में भी आ सकता है, जैसे 1, 2, 1, 1, 1, 1, पूरी सीरीज हमारी 1, 1, 1 की है, ठीक है, या फिर हमारी पूरी सीरीज 3, 3 की है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमेशा हमारा जीरो होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक चीज और समझ लो जो सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये टर्म क्या होते हैं, टर्म क्या है, तो यहां पर जो सीरीज दिख रही है, सीरीज में हर एक नंबर एक टर्म है। क्या है, हर एक नंबर हमारा टर्म है। जैसे कि यहां पर बोल दे कि 2 हमारा एक पहला टर्म है, सबसे आगे जो लिखा है वो 2 है और 2 सबसे फर्स्ट टर्म है, क्या है, और उसके बाद है हमारे पास 4 हमारा क्या हो गया, सेकंड टर्म हो गया, और फिर लिखा हुआ है 6 और 6 हो गया हमारे पास थर्ड टर्म। मतलब हर एक नंबर हमारे पास टर्म है। ठीक है, ऐसे आप गिनते चले जाओ, 6 है, 8 है, 10 है, और इसी तरह से ये हमारे टर्म होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या समझ में आया कि जो हमारे टर्म है वो क्या होंगे, हर एक पर्टिकुलर नंबर हमारा एक टर्म है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अभी हमने बताया क्या होता है कि इनके बीच का जो गैप होता है ना, उसे कॉमन डिफरेंस होता है, और उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं डी के बराबर, क्योंकि हम लोग कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और हमेशा एक बात ये याद रखना, जो पहला टर्म होगा उसको हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, पहले टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा डी से। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है हमारी दो टाइप की होती है, एक तो होती है इन्फेनाइट, एक होती है हमारी फाइनाइट। इन्फेनाइट और फाइनाइट क्या है ये देखो, फाइनाइट सीरीज होती है ना, उस सीरीज में हमारे पास जो टर्म होते हैं, जो सीरीज होती है वो नंबर ऑफ टर्म होते हैं। मतलब उसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने हमारे पास टर्म है, 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, ये।
और जो हमारी इन्फेनाइट सीरीज होती है ना, उस इन्फेनाइट सीरीज में बहुत सारे टर्म होते हैं, इतने टर्म होते हैं कि उन्हें हम लोग काउंट ही नहीं कर पाते। तो इन्फेनाइट सीरीज में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, और फाइनाइट सीरीज में क्या होते हैं, सिर्फ कुछ नंबर ऑफ टर्म, सम नंबर ऑफ टर्म, 10, 50, 100, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ एपी, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्मूला। तो ये जो एपी का जनरल फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि भैया इसकी एपी क्या है, तुम्हें दे दी जाएगी, ए दे दिया जाएगा, डी दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा इसका एपी बनाओ। तो जब तक जनरल फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये एपी हम लोग बना ही नहीं पाएंगे, मतलब ये सीरीज ही नहीं बना पाएंगे। तो देखो एपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, एंड सो ऑन। मतलब ये आगे ऐसे बढ़ता रहता है, जितने हमें सीरीज की जितने भी टर्म्स की जरूरत होगी वो हम लोग ऐसे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस जनरल फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनरल फॉर्मूला। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं nth टर्म ऑफ द एपी के बारे में। तो ये nth टर्म ऑफ द एपी होता क्या है? तो देखो यहां पर देखो ये सीरीज दिख रही है, ठीक है। इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड सो ऑन, ये हमारे पास टर्म है। तो इस तरह के एक सीरीज दे दी जाएगी क्वेश्चन में, और कहा जाएगा कि ये बताओ कि सिक्स्थ जो टर्म है वहां पर कौन सी वैल्यू है, या फिर कहा जाएगा जो 16th टर्म है वहां पर क्या है, या फिर कहा जाएगा जो 60 टर्म है वहां पर क्या है, क्या वैल्यू है। जैसे बात करें पहले टर्म की, तो पहले टर्म में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। दूसरे टर्म में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तीसरे टर्म में क्या दिख रहा है, 6। चौथे और तीसरे में 6 है, और चौथे में 8 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो टर्म चल रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि 16th टर्म या 18th टर्म में क्या है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फॉर्मूला। अभी हमने बताया ना ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास जो हमारे पास सीरीज दी गई होती है ना उसका पहला टर्म होता है, और जो डी होता है वो डी होता है हमारे पास दूसरे टर्म और पहले टर्म के बीच के डिफरेंस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। मतलब सभी का जो डिफरेंस होगा, सभी का डिफरेंस सेम ही होता है इसमें, तो एपी में तो वो क्या होगा, डी होगा हमारा, ठीक है। तो अब बात आती है ये ए एन क्या है। देखो एन हमने क्या बताया, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि 16th टर्म के बारे में बताओ कि 16th टर्म में कौन सी वैल्यू है। तो जो हमारा एन हो गया ना वो हो गया हमारा 16, ठीक है। या फिर बोल लेगा कि क्वेश्चन कहेगा 18th टर्म के बारे में बताओ, जो हमारा n हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 18। तो ये होगा हमारे पास nth टर्म ऑफ द एपी। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ द एपी के बारे में। तो देखो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास एक एपी दे दी जाएगी, मतलब एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें कहा जाएगा कि शुरुआत के 10 जो हमारे पास टर्म है उनको ऐड करके बताओ कितना आता है, या फिर कहा जाएगा शुरुआत के 50 टर्म है उनको ऐड करके बताओ कितना आता है, या फिर कह दिया जाएगा शुरुआत के जो 18 टर्म है उनको ऐड करके बताओ उनका सम क्या होता है। जब कभी सम पूछे तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ये वाला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। जब कभी भी हमारा क्वेश्चन सम पूछता है कि शुरुआत के 10 टर्म का सम बताओ, शुरुआत के 16 टर्म का, तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला तो हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास जो एपी होती है उसमें हमें लास्ट टर्म पता होता है। क्या पता होता है, लास्ट टर्म पता होता है। जब लास्ट टर्म हमें पता होता है ना तो हम लोग यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले और वो वाला फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना। बस इतने फॉर्मूले हैं, एक आध और होगा छोटा मोटा फॉर्मूला, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे कहां पर यूज होगा कैसे होगा वो सब हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।